आज बीजेस होलसेल मार्केट में आए हम, बीजेस होलसेल क्लब में, अपने अमेजोन के लिए कुछ सामान परचेज करने के लिए। चलते हैं अंदर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बीजेस की न्यू जर्सी में होलसेल मार्केट है। यहाँ से चीजें परचेज की जाती हैं जो कि बहुत ही रियायत में मिलती हैं और हम अमेजोन पे सेल के लिए रख देते हैं, जो अमेजोन यूएसए में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। अब जैसे ये विटामिन की चीजें अमेजोन पे ज्यादा सेल होती है, और जैसे ये $13 की विटामिन की चीजें हैं तो अमेजोन पे ये समझ लें कि $40 की सेल हो रही होगी, तो 3 गुना यहाँ से ज्यादा सेल प्राइस होती है अमेजोन पे। जो यहाँ से ये होलसेल प्राइस है यहाँ पे जो रखी हुई है विटामिन्स की, तो 3 गुना में 1/3 प्रॉफिट अमेजोन खुद रख लेता है, 1/3 प्रॉफिट हमारा इन्वेस्टमेंट होता है और 1/3 प्रॉफिट जो है हमारा अपना हो जाता है। यानी 3 हिस्से हो जाते हैं, एक इन्वेस्टमेंट का, एक प्रॉफिट का अमेजोन का, एक प्रॉफिट हमारा। तो यहाँ से ये चीजें हम लोग बाय कर लेते हैं। ये होलसेल मार्केट है बीजेस की न्यू जर्सी में, और बहुत बड़ा ये सुपर मार्केट है होलसेल का। हर तरह की प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल है और यहाँ देखते हैं और यहाँ से परचेस कर ली जाती है और फौरन ही जो है अमेजोन पे सेल के लिए लगा दी जाती है। यहाँ ही ये चीज को देख लेते हैं कि क्या अमेजोन पे इसकी प्राइस है, और ये भी चेक कर लेते हैं कि अमेजोन पे इसकी परमिशन है कि नहीं है सेल करने की। अगर यहीं से ओके हो जाता है तो यहीं से इसको अपलोड कर दी जाती है उस चीज को। अब ये चीज भी देख ली है, मेरा बेटा भी देख रहा है, क्योंकि मेरे बेटे की अपनी कंपनी है पिंक सॉल्ट LLC USA। वो इधर ट्रॉफी वाली साइड पर है, चॉकलेट वाली साइड पे, क्योंकि हमारा ये कंपनी में ये टॉफी चॉकलेट वगैरह जो ये बहुत सेल होती है काफी, तो ये बेटा ये खड़ा हुआ है जो है वो देख रहा है चीजें। इसका क्या दानिया, थोड़ा इसका बताना, ये वाली जो एप्लीकेशन है क्या कहलाती है? SS एप्लीकेशन। अच्छा, अभी वाली खुली भी नहीं है मेरे पास, अभी नहीं। जैसे इसमें पता चल जाता है कि ये क्या अमेजोन पे कितने की सेल हो रही है, क्या है वगैरह ना। हाँ। ये प्रोडक्ट को सही है मेरी। ये चीज है जो देखे, वो एप्लीकेशन जो है माशाल्लाह, और इस एप्लीकेशन का जो है समझ ले इतने बड़े बड़े ये स्टोर है कि आपको सुई से लेकर हाथी तक की चीजें भी अगर लेनी है तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। कोई चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ अवेलेबल ना हो, हर चीज अवेलेबल है यहाँ पे, आप ले सकते हैं हर चीज। ये सीरियल यहाँ पे, खैर सीरियल तो हम नहीं सेल करते, मगर क्योंकि मैं नाश्ते में सुबह यूज करता हूँ तो मुझे रेट का पता चल जाता है कि इसके रेट क्या है यहाँ पर सीरियल के। ये देखिए, बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है ये बीजेस के नाम से न्यू जर्सी में। पहले जब अमेजोन पे चीजें फरोख करने के लिए बाकायदा इसके कोर्सेज करने पड़ते थे ई कॉमर्स के, और इसमें हंटिंग करनी पड़ती थी, वो चीजें देखनी पड़ती थी कि इस वक्त कौन सी चीज सबसे ज्यादा सेल हो रही है और कौन बेच रहा है और कितने की बेच रहा है ये सब। मगर अब ये सब जो है जमाना खत्म हो गया, अभी एप्लीकेशन ऐसी सी आ गई है कि आप एप्लीकेशन जो है अपने कंप्यूटर पर अपलोड करें और सिर्फ महाना इसका यहाँ पे रेंट पे करें, और वो एप्लीकेशन से यहीं बारकोड को पे स्कैन करें उस चीज को, तो आपको बता देगा कि ये चीज जो है यहाँ पे कितने की और अमेजोन पे कितने की सेल हो रही है। तो ये सब एप्लीकेशन हमने यहाँ लगाई हुई है इसके अपने मोबाइल पर,
और इसका रेंट पे कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन SAS के नाम से है, उस पर $30 पर मंथ पे कर रहे हैं। एक और एप्लीकेशन लेटेस्ट आ गई है, उसमें तो ये भी पता चल जाएगा कि अमेज़न पे जो आपने सामान रखा हुआ है वो कितना सेल हुआ है और कितना रिटर्न हुआ है और क्या पोजीशन है, कितना प्रॉफिट हुआ और कितने एक्सपेंसेस आपके आए हैं। ये ऐसी ऐसी एप्लीकेशन अब आ गई है। अब वो चक्कर खत्म हो गया कि बैठे रहो और हंटिंग करते रहो, देखते रहो कि भाई इसमें क्या चीज ऐसी है। अब ये दौर ही खत्म हो गया है। अब तो ये है कि बस एप्लीकेशन अपलोड करो और ऐसी चीज की तरफ जाओ और उस चीज के बारकोड को स्कैन करो और आपको पूरी डिटेल ये बता देगा कि ये चीज जो है यहाँ पे कितने की है और अमेज़न पे कितने की सेल हो रही है और आप इस पे कितना टैक्स आएगा, अमेज़न का कितना कमीशन है, आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा और अमेज़न को कितना प्रॉफिट मिलेगा। उससे आपको ये चीज के स्कैन करने से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये सब चीजें सेल हो रही हैं और हमारी कंपनी जो है पिंक एस सॉल्ट, उसमें ये सब चीजें हमने लगाई हुई भी है। पिंक एस सॉल्ट LLC या USA में रजिस्टर कराई है मेरे बेटे मोहम्मद दानियाल ने और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। इस वक्त बीजेस में आए हैं, इसी तरह मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी है कंपनी है, जेट्रो है और ट्रिपल है काफी, वहां से हम चीजें ले लेते हैं और अमेजोन पे ये लगा देते हैं। इसको हर चीजें अवेलेबल है यहाँ सेल के लिए, देखें हर चीजें। एक इंडियन गाना है ना, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, बस आप बताएं कि क्या खरीदना है और यहाँ मौजूद है इस चीजें। सिर्फ आपके जेब में सिर्फ डॉलर होने चाहिए, बस डॉलर लगाओ और डॉलर कमाओ। यहाँ पे अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना, ये लोग कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। क्योंकि यहाँ बिजनेस करने वालों को बहुत मौका दिया जाता है, बहुत सपोर्ट की जाती है, उसके अंदर कोई हर्डल नहीं पैदा की जाती, हर तरह की सपोर्ट यहाँ दी जाती है बिजनेस करने वालों को। उससे पूछा जाता है तुझे क्या चीज की जरूरत है, और सब चीजें यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाती हैं। घर आपको चाहिए तो इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा, ये टीवी चाहिए आपको, जो कार चाहिए, गाड़ियां चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, जो चीज आपको चाहिए आपको इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा। अगर आपको बहुत बड़ा हाउस भी चाहिए 10-20 करोड़ का, तो उसे 5% आप पे करें, बाकी 95% ये लोग लोन देंगे आपको, फिर आपको 20-25-30 साल में ये लोन उतारना पड़ेगा। कमाते रहो उतारते रहो, बिल्कुल पहले आपको सब दे दिया जाएगा। यहाँ सेल पे भी है, इंस्टॉलमेंट पे भी, हर चीज। और हर स्टोर जो है ना, ये आपको इंस्टॉलमेंट की और लीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। जबी तो ये लोग यहाँ आते ही फौरन हर चीज के मालिक बन जाते हैं, बाद में उतारते रहते हैं, पे करते रहते हैं आराम से। माना जो है ना, उसका रेंट जो है यहाँ पे जो फीस कह लें या $30 ली जाती है, जिससे आपको हर प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है कि अमेज़न पे कितने की सेल हो रही है और अमेज़न उसकी वर्किंग पूरी हो जाती है कि अमेज़न कोरियर के कितने चार्ज करेगा, टैक्स कितना इस पे लगेगा, कितना यहाँ पे सेंट्रल टैक्स लगेगा और कितना ST लगेगा, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है उस एप्लीकेशन में। बल्कि आज बेटा बता रहा था कि एक और एप्लीकेशन भी आ गई है जिसके अंदर ये भी पता चल, ये स्टारबक्स की कॉफी यहाँ अमेरिका में बहुत ज्यादा पी जाती है और अमेज़न पे भी बहुत ज्यादा तादाद में सेल होती है। $39-40 का ये पैकेट है, यहाँ से होलसेल रेट पे। अमेज़न पे तो खैर इसकी प्राइसेस जो है ना 3 गुना होगी, क्योंकि लोग इसमें, ये तो होलसेल में पूरे डिब्बे है ना, इसमें से लोग 2-2-3-3 करके अपने पैकेट बना के सेल करते हैं, तो समझ लें कि ये
$40 की चीज जो है ना वो तकरीबन 120-110 डॉलर की बन जाती है। ये बड़े पैकेट है, ये $20 का है। बहुत क्रेज है यहाँ पे ना इसका तो, खास करके। और डंकिन की कॉफी भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। ये सारा कॉफी का है और मुख्तलिफ कंपनियों की अपनी कॉफी है। खैर बाकी भी कॉफी बहुत मशहूर है, नेस्कैफे वगैरह, इनकी सबके अपने अपने जायके हैं, बहुत ही पसंद की जाती है। कॉफी मेट कराची में जब होता था तो खास करके मैं ये या तो मेरियट रोड से लेता था या फिर एम्प्रेस मार्केट में। ये डंकिन की कॉफी भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। इसी तरह ग्रीन माउंटेन की है, ग्रीन टी वगैरह, डोनट शॉप कॉफी, सब मशहूर ब्रांड है, ये सभी बहुत ही मशहूर ब्रांड है।